स्टूडेंट्स, आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश क्वेश्चंस की, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आते हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं वो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडियम फ्रेजेस और हमारे जो पैराग्राफ आते हैं उसमें से क्वेश्चंस आंसर, तो ये एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी टोल्ड इन दिस सीरीज। तो लेट अस स्टार्ट this series of English questions. This is very useful for entrance examinations. The first question is synonyms and antonyms. तो ये है हमारा first question. इसमें direction है कि in the following question find the synonym of the given word. तो इसमें जो हमारा word है वो है hound, और इसके चार option हैं migrate, beagle, critic, variable. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हाउंड का हमें सिनोनिम बताना है। हाउंड कहते हैं जो शिकारी डॉग्स होते हैं, शिकारी कुत्ते होते हैं, या फिर जो किसी के पीछा करे, जो शिकारी कुत्ते शिकार के लिए होते हैं, पीछा करते हैं। तो उनमें से हमें सिनोनिम क्या हो सकता है? माइग्रेट भी नहीं हो सकता, माइग्रेट भी, और क्रिटिक भी नहीं हो सकता, वेरिएबल। अब बचता है बीगल। बीगल भी एक तरह से शिकारी कुत्तों की ही नस्ल होती है, बीगल। तो यहाँ पर हमारा सिनोनिम होगा बीगल। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरियर। बैरियर कहते हैं किसी कोई रुकावट होना, और हमारे पास ऑप्शंस हैं कंफर्ट नहीं हो सकता, जस्टिफाई भी नहीं हो सकता, और प्रेस्क्राइब भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा डी, एम्बार्गो। एम्बार्गो विल बी द राइट आंसर। एम्बार्गो भी बैरियर को ही कहते हैं, किसी चीज़ में बैरियर होना, रुकावट डालना है, रुकावट। और थर्ड है हमारा फाइंड आउट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिविन वर्ड। और ऊपर के दो क्वेश्चंस में हमने सिनोनिम्स बताए थे, और यहाँ पर हमें इसका एंटोनिम बताना है। तो हमारा वर्ड है ब्लाइंडनेस, और ऑप्शन है हमारे चार कन्फ्रंट, कंटोर, विस्टा, आउटलुक। तो ये कन्फ्रंट, कंटोर, आउटलुक इसके ही सिनोनिम्स हैं, लेकिन अपोजिट वर्ड है इसमें विस्टा। तो सी विल बी द राइट आंसर यहाँ पर। और हमारा अब आ जाते हैं क्वेश्चंस 4 से लेके 8 तक हैं। इस पैसेज में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो लेफ्ट आउट हो गए हैं, तो हमें रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ब्लैंक आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। तो हम पैसेज पढ़ने से पहले हमें ये देखना है कि जब हम पैसेज का वाला क्वेश्चन आता है जिसमें हमें पैसेज दिया गया हो, तो हमें पहले क्वेश्चंस को देख लेना चाहिए, फिर उससे रिलेटेड जो सेंटेंस आता है उसको हमें ध्यान से देख करके उसका आंसर निकालना है। तो हम यहाँ पर पैसेज हमारा ये है, और हमारा क्वेश्चन है जो परफॉर्मेंस इज, और फिर यहाँ पर डैश है बाय ए नंबर ऑफ फैक्टर्स मोटिवेशन अलोन। और हमें ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं अफेक्टेड, इफेक्टेड, इन्फ्लुएंस्ड, मेजर्ड। तो इनमें से हमें कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ड है वो यहाँ पर फिल करना है। अब यहाँ पर है जो परफॉर्मेंस इज, तो यहाँ पर सबसे सुटेबल है वर्ड अफेक्टेड बाई नंबर ऑफ फैक्टर की, जो परफॉर्मेंस, जब अफेक्ट आएगा यहाँ पर, तो यहाँ ए विल बी द राइट आंसर। फिर सेकंड है द हायर द लेवल्स ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन द डैश द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल बी। और हमारे ऑप्शंस हैं हायर, स्मॉलर, लार्जर, लोअर। अब हमें यहाँ पर फिर से पैसेज में देखना है कि व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन। मोटिवेशन अलोन डज नॉट लीड टू इंक्रीज परफॉर्मेंस, एबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी मोडरेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस। द हायर द लेवल्स ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन द, अब इसमें यहाँ पर मोटिवेशन द, इसमें क्या आना चाहिए यहाँ पर, हायर, स्मॉलर, लार्जर या लोअर। तो यहाँ पर हमारा आएगा हायर, हायर लेवल्स टू मोटिवेशन, द हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल बी। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है हाउ एवर इंक्रीजिंग मोटिवेशन बियॉन्ड एन लेवल। फिर हमारे ऑप्शंस हैं इंक्रीज, सर्टेन और डिज़ायर्ड, ऑप्टीमल। तो यहाँ पर हमारे पास है
पैसेज द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल बी हाउ ओवर इंक्रीजिंग मोटिवेशन बियॉन्ड एन. अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर हमारा आना चाहिए डी बियॉन्ड एन ऑप्टीमल ऑप्टीमल लेवल. तो डी विल बी द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट है टेंड्स टू डैश ए डाई फंक्शनल रिजल्ट. ऑप्शंस आर इंट्रोड्यूस इंड्यूस डिड्यूस प्रोड्यूस. अब पैसेज के अकॉर्डिंग हमें क्या यहाँ पर आना चाहिए. मैसेज के अकॉर्डिंग हमारा है इंक्रीजिंग मोटिवेशन बियॉन्ड एन टू लेवल टू ए डाई फंक्शनल रिजल्ट. तो यहाँ पर हमारा आएगा यहाँ पर हमारा आना चाहिए डी प्रोड्यूस. यहाँ पर हमारा आएगा लेंड्स टू प्रोड्यूस ए डाई फंक्शनल रिजल्ट बिकॉज इट इज. अब नेक्स्ट में हमारा आएगा बिकॉज इट इज डैश बाई एन इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एनेक्सिटी अकम्पनीड एफिलिएटेड अमालगमेटेड और एबंडेंट. यहाँ पर हमारा आएगा बिकॉज इट इज. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है अकम्पनीड बाय एन इंक्रीज लेवल ऑफ एनेक्सिटी. ए विल बी द राइट आंसर. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी तरह से है. डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 9 से 13 है. इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट. रीड द पैसेज केयरफुल्ली and select the correct answer for the given blank out of the four alternatives. भी यही है, हम यही करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चंस को देखेंगे. द डैश ऑफ एनर्जी इन इंडिया आर मेट फ्रॉम बोथ कॉमर्शियल अवेलेबिलिटी सोर्सेज लेसन रिक्वायरमेंट्स. हमारे क्या है द डैश ऑफ एनर्जी इन इंडिया आर मेट फ्रॉम बोथ कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल सोर्सेस. तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनर्जी. यहाँ पर हमारा रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनर्जी आएगा अकॉर्डिंग टू द पैसेज और अकॉर्डिंग टू द टू दिस लाइन. तो राइट ऑप्शन है हमारा अवेलेबिलिटी द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट है द मोस्ट डैश सोर्सेज ऑफ एनर्जी टूडे आर कोल एंड नेचुरल गैस. तो मोस्ट हमारे यहाँ पर क्या आएगा इम्पोर्टेंट है एक्सटेंसिव वाइटल इनसिग्निफिकेंट. तो यहाँ पर हम पैसेज में देखते हैं द मोस्ट. तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू डे आर कोल एंड नेचुरल गैस. तो इम्पोर्टेंट विल बी द राइट आंसर. On the other hand, firewood, cow dung, cakes and vegetables, waste, etc. अब यहाँ पर है हमारे ऑप्शन combines, mixes, collaborates या constitutes dash non-commercial forms of energy. तो यहाँ पर हमारा आएगा passage देखते हैं hydroelectric nuclear power. On the other hand, firewood, cow dung, cakes and vegetables, waste, etc. डैश नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूट्स. ऑन द अदर हैंड फायरवुड काउंटिंग केक्स एंड टेबल वेस्ट एटसेट्रा कॉन्स्टिट्यूट्स नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. वाइल नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डैश डिमांड. हमारे ऑप्शन हैं रेस्ट मीट नीड शेड. तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन होगा
इसमें राइट ऑप्शन होगा हमारा व्हाइल नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डैश डिमांड। अब इसमें से क्या आना चाहिए हमारा राइट, हमारा राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द पैसेज होगा यहाँ पर मीट, व्हाइल नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मीट डिमांड। नेक्स्ट है कोल इज द डैश हार्डेस्ट स्मॉलेस्ट हैवीएस्ट लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी इन इंडिया। तो क्या है कोल, हमारा द कोल इज द सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी इन इंडिया। कोल क्या है हमारा, हार्डेस्ट है स्मॉलेस्ट है हैवीएस्ट है या लार्जेस्ट है। आंसर होगा हमारा डी, कोल इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। तो हमारा डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। फिर ये क्वेश्चन है हमारा 14 से 16। इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ब्लैंक आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स। है लिटरेचर इज ए मीडियम थ्रू विच ए पर्सन कन्वेज हिज आइडियाज टूवर्ड्स और प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिफरेंट नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। द वर्ड्स दैट डील विद डैश इशूज आर ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इन लिटरेचर, दे आर विद ए पर्टिकुलर पर्पज इन। तो यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन देखना है, पहले द वर्ड्स द डील विद ए डैश इशू, हमारे ऑप्शन है मोरल इंसेंसिटिव इंसेंसिटिव इकोनॉमिकल और ब्रॉड। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा द वर्ड्स दैट डील विद ए मोरल इशू, मोरल लिटरेचर है तो मोरल विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। दे आर डैश विद ए पर्टिकुलर पर्पज, ऑप्शन है रिटन रिप्रेजेंटेड ब्रॉड या फाउंडेड। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा दे आर रिटन विद ए पर्टिकुलर पर्पज, रिटन विल बी द राइट आंसर। ए पर्टिकुलर पर्पज इन, ऑप्शन है ऑल हैंड माइंड टोटल। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ए पर्टिकुलर पर्पज इन माइंड, सी विल बी द राइट ऑप्शन विद ए पर्टिकुलर पर्पज इन माइंड। तो इस तरह से हमने ये तीन पैसेज किए हैं और इन पैसेज में जो हमने प्रैक्टिस की है इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू एज आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसके हम प्रैक्टिस करेंगे स्पेलिंग टेस्ट। इसमें है क्वेश्चन नंबर 17 से 19 तक, फोर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। और इसमें इस तरह से क्वेश्चंस भी आते हैं और इनमें हमें राइट ऑप्शन बताना है किसकी स्पेलिंग सही है। एडजोर्नमेंट 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 एडजोर्नमेंट। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन इज नॉट राइट, एडजोर्नमेंट इज नॉट राइट, एडजोर्नमेंट की स्पेलिंग सी जो है एडजोर्नमेंट दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग, सो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है कॉनिसर 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 और कॉनिसर। तो यहाँ पर स्पेलिंग में हम देखते हैं ए इज नॉट राइट और बी इज द राइट स्पेलिंग, सी एंड डी इज नॉट करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा बी, बी विल बी द राइट स्पेलिंग। इसमें यहाँ पर ओ आई आना चाहिए बस। तो यहाँ पर 18 का बी विल बी द राइट आंसर। और 19 में है इनकलकेट डेबिलिएट इम्पैकेबल और हैरेस। तो इसमें स्पेलिंग इनकलकेट स्पेलिंग इज ऑल्सो रोंग और इम्पैकेबल इज रोंग हैरिस इज रॉन्ग। अब यहाँ पर बचता है वर्ड डेबिलिएट, डेबिलिएट इज द राइट स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ईडियम्स एंड फ्रेजिज का। तो यहाँ पर 20 से 24 तक क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज। इसमें जो ये फ्रेज और ईडियम्स दिए जाते हैं एग्जाम में उनमें जो ए बी सी डी हैं इनमें बताना है कौन सा इससे जो मीनिंग को अच्छी तरह से एक्सप्रेस करता है। अब फर्स्ट है हमारा
20 में ए वाइल्ड गूज चेज, ए वाइल्ड गूज चेज ये भी एक ईडियम है, एक ईडियम है, और इसका मतलब होता है कि वाइल्ड गूज चेज बिना किसी एम के इधर उधर भटकना, यानी कि किसी चीज़ के पीछे भागना विदाउट एनी एम। तो यहाँ पर टाइमली सर्च नो, रॉन्ग डिसीजन नो, फ्रूटफुल सर्च नो, यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है यूजलेस सर्च, यानी कि निरर्थक प्रयास। एंड डायरेक्शन इज इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेजेस। यहाँ पर अब ईडियम फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे, इसमें ईडियम दिया जाएगा और फिर उसमें चार ऑप्शन है और बताएंगे कि कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। द 21 इज ए मूड पॉइंट, और चार ऑप्शन है हमारे, अनक्लियर, अननोन, एग्रेबल, डिस्प्यूटेड। यहाँ पर अनक्लियर इज नॉट करेक्ट आंसर और अननोन, एग्रेबल, दीज आर नॉट करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज डी, डिस्प्यूटेड, यानी कि जहाँ पर कोई किसी चीज़ का डिस्प्यूट हो, झगड़ा हो किसी चीज़ पर, उसे कहते हैं मूड पॉइंट, तो देन डिस्प्यूटेड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है कैट नैप, और ऑप्शंस हैं फिटफुल स्लीप, लॉन्ग स्लीप, शॉर्ट स्लीप, रेस्ट। तो यहाँ पर हमारे कैट नैप, यानी कि अगर हम इसका वर्डली मीनिंग निकालें, नैप कहते हैं झपकी लेना, और कैट नैप की जैसे झपकी आती, यानी कि थोड़ी सी देर के लिए झपकी आ जाना, तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन हो सकता है वो होगा शॉर्ट स्लीप। तो इसलिए फिटफुल और लॉन्ग और रेस्ट दिस आर नॉट करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, शॉर्ट स्लीप। नेक्स्ट है टू पुल ए लॉन्ग फेस, और ऑप्शंस हैं लुक्ड सैड, लुक्ड काम, लुक्ड सरप्राइज्ड, लुक्ड हैप्पीली। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है लुक्ड सैड, टू पुल ए लॉन्ग फेस, यानी कि वैसे दिखाई देना सैड सैड, तो यहाँ पर इसलिए हमारा ए विल बी द राइट आंसर, लुक्ड सैड। नेक्स्ट है फिट हर लाइक ए ग्लो, कि इस तरह से फिट हो जाना जैसे कि ग्लो में उंगलियां फिट हो जाती हैं, जिस तरह तो इसका वर्डली मीनिंग तो यह, लेकिन जो परफेक्ट मीनिंग है वो है इनमें से फोर ऑप्शन है हमारे, टू लार्ज, टू शैबी, टू टाइट, परफेक्टली। तो जैसे कि बताया वर्डली मीनिंग से भी पता लग रहा है कि फिट हर लाइक ए ग्लो, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा सही परफेक्टली डी, जो बिल्कुल परफेक्ट हो, तो उसको कहते हैं फिट हर लाइक ए ग्लो, तो डी विल बी द राइट आंसर। अब आ जाते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। यहाँ पर जो सबसे सही सब्स्टिट्यूट है वो बताना है इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। वन हु इज नॉट इजिली प्लीज्ड बाय एनी थिंग, जो किसी भी चीज़ से इजिली खुश ना हो, तो हमारे ऑप्शंस हैं गलिबल, फास्टिडियस, इनोसेंट और एमिनेबल। तो यहाँ पर अब हमें देखना है कि कौन सा हमारा मीनिंग इसमें सही। यहाँ पर हम देखते हैं कि गलिबिल, गलिबिल का मतलब भी क्या है, गलिबिल का मतलब होता है कि जो बिलीव करे और ट्रस्ट करे लोगों पर बहुत आसानी से, और फास्टिडियस का मीनिंग होता है कि जो विदाउट वांटिंग एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, हर चीज़ को परफेक्ट चाहिए, यानी कि तुनक मिजाज हो, और इनोसेंट जो बिल्कुल भोला भाला हो, और एमिनेबल कहते हैं कि जो किसी भी चीज़ को हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, हमारा राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर बी, बी विल बी द राइट आंसर, यानी कि फास्टिडियस। तो ये जो वन हु इज़ नॉट इजीली प्लीज्ड बाय एनीथिंग, जो किसी से आसानी से प्लीज ना हो, तो वो कौन होगा, फास्टिडियस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है ए पर्सन अनसेल्फिशली कंसर्न फॉर और डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो एक ऐसा व्यक्ति जो अनसेल्फिशली कंसर्न हो और बिल्कुल डिवोटेड हो कि दूसरों की भलाई के लिए। तो हमारे ऑप्शंस हैं इगोइस्ट, अनसेल्फिश, ऑल्ट्रुइस्ट और
वेलफेयरिस्ट। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, इगोइस्ट भी नहीं हो सकता। इगोइस्ट कहते हैं जो ईगो में रहे अपने मैं, इसके अंदर आई, और अनसेल्फिश, अल्ट्रुइस्ट, वेलफेयरिस्ट। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, सी विल बी द राइट ऑप्शन, अल्ट्रुइस्ट। नेक्स्ट है वायोलेशन ऑफ द दैट विच इज होली एंड सैक्रेड। ऑप्शंस हैं मैलिवोलेंट, सैक्रिलेज, बिजारे और इनक्यूशियस। तो यहाँ पर हम देखते हैं मैलिवोलेंट का मतलब होता है कि एक ऐसी डिज़ायर रखने वाला जो दूसरों को नुकसान पहुँचाए, और सैक्रिलेज का मतलब होता है कि इंसल्ट करना किसी रिलीजियस या होली प्लेस की, और बिजारे कहते हैं जो अनकॉमन हो या स्ट्रेंज हो कुछ ऐसे, और इनक्यूशियस का मतलब होता है वेरी अनफेयर एंड मॉरली रॉन्ग। तो यहाँ पर वायलेशन ऑफ दैट विच इज़ होली सेक्रेट, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बी, सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मतलब कि इंसल्ट करना किसी रिलीजियस या होली प्लेस की, है ना, वायोलेट करना। तो यहाँ पर हमारा जो ये ऑप्शन है बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, और ऑप्शन से हमारे एब्रिजमेंट, कंडेमेंट, एम्बेजलमेंट और बेरीवेमेंट। यहाँ पर बेरीवेमेंट और मैलेवोलेंट का मतलब होता है, अच्छा यहाँ पर है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, हमें किसका मतलब बताना है यहाँ पर, एब्रिजमेंट। एब्रिजमेंट कहते हैं किसी चीज़ को कंडेंस कर लेना, शॉर्ट कर देना, और कंडेमेंट का मतलब होता है कि जैसे किसी खाने को में फ्लेवर बढ़ाने के लिए हम नमक का या किसी चटनी का यूज़ करते हैं, तो उसे कंडेमेंट कहते हैं, कि यानी कि जो यूज़ होता है टू गिव फ्लेवर इन फूड। और एम्बेजलमेंट किसी चीज़ को गबन कर लेना, किडनैपिंग कर लेना। और बेरेवलेंट का मतलब होता है कि ऐसा समय जिसमें मॉर्निंग में हो कि विलाप करें, किसी चीज़ का दुख मनाएं। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, यहाँ पर होगा हमारा मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, क्या मतलब यानी कि एम्बेजलमेंट, सी विल बी द राइट आंसर, किडनैपिंग करना, गबन करना, है ना, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, धन का गबन कर लेना उसको। और 29 है वन हु हैज़ द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इन सच ए वे दैट द साउंड सीम्स टू कम फ्रॉम अनदर पर्सन प्लेस। और हमारे ऑप्शंस हैं एब्सोल्यूटिस्ट, बाइब्लिकिस्ट और वेनेट्रिलुकिस्ट और क्लेवरिस्ट। तो यहाँ पर एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स को होल्ड करें, यानी कि जो सिद्धांतों को मानने वाला हो। और बाइबलिकिस्ट कहते हैं कि जो बाइबल, जो बुक है, होली बुक, बाइबल को पूरे परायणता से मानता हो। और वेंट्रिकुलिस्ट कहते हैं कि जो अलग अलग तरह की वॉइसेस निकालता है, आवाज़ निकालता है। और क्लेवरिस्ट का मतलब होता है एक कि म्यूजिशियन हु प्लेस द क्लेवियर, क्लेवियर किसी एक वाद्य यंत्र का नाम है, क्लेवरिस्ट, जैसे एक्साइलोफोन होता है या ट्रम्पेट होता है, उसी तरह से ये क्लेवरिस्ट होता है, कि इसका मतलब है कि एक ऐसा म्यूजिशियन हु प्लेस द क्लेवियर। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, वेंट्रिकुलिस्ट। वेंट्रिकुलिस्ट का मतलब ये है कि तरह तरह की आवाज़ें निकालना, जैसे इसमें है कि वन हु है, ऐसा व्यक्ति जो ऐसी आर्ट रखता हो कि ऐसी आवाज़ निकले दैट द साउंड सीम्स टू कम फ्रॉम अनादर पर्सन या प्लेस। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा वेंट्रिलोक्विस्ट, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है वन हु डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करें उसको कि हम क्या कहेंगे, साइनोशोर, डेमेगोग, एपिक्योर या वेंडल। यहाँ पर तो ये हमें जानने के लिए सबसे पहले ज़रूरी यही होता है कि हमें मीनिंग पता हो। तो यहाँ पर हमें साइनोशोर का मतलब होता है कि समथिंग दैट
प्रोवाइड्स गाइडेंस, तो ये भी नहीं हो सकता। जो ऐसे व्यक्ति को हम साइनस चोर भी नहीं कह सकते जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करे। और डेमागो कहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो लीडर हो इविल पर्संस का, उसको डेमागो कहते हैं। और एपिक्योर कहते हैं कि जिसको हु सीक प्लेजर इन फाइन फूड एंड ड्रिंक, जिसको खाने पीने में प्लेजर मिले। और वेंडल कहते हैं कि ऐसा कुरवल व्यक्ति, ऐसा बर्बर व्यक्ति जो प्रॉपर्टी को डैमेज करने में खुश होता हो। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी ही होगा, वेंडल, कि उस पर्सन को हम वेंडल कहेंगे जो डैमेज करता है पब्लिक प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट है टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, और हमारे ऑप्शंस हैं हाइब्रो, एक्जोनिरेट, एस्केपिज्म और हैंडपैक। हाइब्रो कहते हैं कि जो प्राउडी हो, घमंडी हो या हॉटी और स्नैटी को हम का मतलब होता है हाइब्रो। और एक्जोनिरेट कहते हैं किसी का हक बहाल करना, उसका हक उसको देना। और एस्केपिज्म कहते हैं कहीं चले जाना, पलायन कर देना। और हैंडपैक कहते हैं बिलोंगिंग टू वुमैन, यानी कि जो वुमैनिश हो। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बी, एक्जोनरेट। एक्जोनरेट करना, हक बहाल कर देना, कि टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, यानी कि उसको सभी ब्लेम से फ्री कर देना। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन एक्जोनरेट होगा। अब नेक्स्ट पर आते हैं हम सेंटेंस करेक्शन, यानी कि एरर स्पॉटिंग यहाँ पर हमें बतानी है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एन एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। यहाँ पर हमें बतानी है कि किस सेंटेंस के पार्ट में हमारी एरर है और क्यों है। यहाँ पर हमारा है सम ऑफ द रिचेस्ट, इसमें फोर ऑप्शंस हैं। सम ऑफ द रिचेस्ट ए है, और बिजनेस मैग्नेट बी, लिव इन मुंबई सी, और डी में है नो एरर। इसमें बताना है किस में एरर है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है इसमें है हमारी एरर बिजनेस मैग्नेट में। सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट लिव इन मुंबई, तो यहाँ इस सेंटेंस में बी में इस बिजनेस मैग्नेट बी में हमारी एरर है यहाँ पर। तो हमारा बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है दिस इज एन अर्जेंट मैटर विच मे एडमिट ऑफ फ्यू डिलेज। दिस इज एन अर्जेंट मैटर, इसमें हमारे 33 में है दिस इज एन अर्जेंट मैटर विच मे एडमिट ऑफ फ्यू डिलेज। तो यहाँ पर इसके सी में है एरर, यहाँ पर एडमिट फ्यू डिलेज, यहाँ पर सी में है, यहाँ पर मिस्टेक है। और 34 है आउटसाइड द रेन बीट्स डाउन इन floods and the sea gives forth a sound like an alarm bells, no error. 34 में a sound like an alarm bells, यहाँ पर है कि outside the rain beats down in floods and the sea gives forth a sound like an alarm bells. इसमें 34 में हमारी सी पोर्शन में एरर है, ए साउंड लाइक एन अलार्म बेल्स। आई यूज्ड ए पेयर ऑफ ब्लैक ट्राउजर्स फॉर अ वीक, नो एरर। इसमें हमें एरर बतानी है, इसमें एरर इसके ए पार्ट में है, क्योंकि इसमें आया है आई हैव यूज अन पेयर ऑफ ब्लैक, क्योंकि इसमें आया है फोर ए वीक, वन की एक वीक से वो यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर आता आई हैव यूज ए पेयर ऑफ ब्लैक ट्राउजर्स फॉर ए वीक, इसलिए ए पार्ट में
यहाँ पर एरर है. नेक्स्ट है, ही हैज़ मेड ए मिस्टेक ऑफ विच आई एम सर्टेन नो एरर. इसमें ही हैज़ मेड ए मिस्टेक ऑफ विच, तो इसका हमारा डी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन. इसमें नो एरर, कोई एरर नहीं है. नेक्स्ट है, ही वॉज नॉट अलाउड फॉर द टीचर टू रीड इन ए लो वॉइस, नो एरर. तो हमारे जो ये 37 है, इसमें हमारे एरर है कहाँ पर, ही वॉज नॉट अलाउड फॉर द टीचर. तो यहाँ पर फोर, इसके बी पार्ट में एरर है. यहाँ पर फोर की जगह आना चाहिए था ही वॉज नॉट अलाउड बाय द टीचर. सो बी इज़ द राइट ऑप्शन, द एरर इज इन द बी पार्ट. नेक्स्ट है, ईच ऑफ द गर्ल्स हैव कम विद हर बुक्स, नो एरर. तो 38 में यहाँ पर ईच ऑफ द गर्ल्स हैव कम, यहाँ पर आना चाहिए था ईच ऑफ द गर्ल्स है, तो ईच हर लड़की आई, तो यहाँ पर हमारा हैज़ कम आना चाहिए था, तो इसलिए हमारे इसके बी पार्ट में एरर है. यहाँ पर मी एंड माई वाइफ वर एट होम लास्ट नाइट, नो एरर. अब इसमें 39 में हम देखते हैं कि मी एंड माई वाइफ, तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि व्हेन यूजिंग प्रोनाउंस इन ए सेंटेंस द ऑर्डर फॉर सिंगुलर प्रोनाउंस शुड बी, तो उसमें क्या आना चाहिए, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, इनके 2, 3, 1 से याद रखेंगे. और अगर इन प्लूरल में हो तो ऑर्डर होगा 1, 2, 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. तो इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए था, सो करेक्ट सेंटेंस है ये कि माई वाइफ एंड आई वर एट होम लास्ट नाइट, यहाँ पर आता माई वाइफ एंड आई, तो इसके ए पोर्शन में मिस्टेक है. यहाँ पर हमारे 39 के ए पोर्शन मिस्टेक है, तो ए विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट है, एसे राइटिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स मैनी प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर, नो एरर. तो यहाँ पर हमारे इसके मिस्टेक है इसके बी पार्ट में, क्योंकि इसमें है एस सी राइटिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स, इसमें दैट की जगह आना चाहिए था विच रिक्वायर्स, मैनी की जगह आना चाहिए था विच रिक्वायर्स मच प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग जो है इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन. सो इसमें क्या होना चाहिए था, यूज मच एज अपोज टू मैनी. नेक्स्ट है, इफ़ यू परमिट मी टू स्पीक द ट्रुथ आई शेल स्टेट विदाउट हेजिटेशन दैट यू हैव डन ए मिस्टेक, नो एरर. तो यहाँ 41 में इसके सी पार्ट में मिस्टेक है, दैट यू हैव डन ए मिस्टेक, यहाँ पर कैसे होना चाहिए था कि इफ़ यू परमिट मी टू स्पीक द ट्रूथ आई शेल स्टेट विदाउट हेजिटेशन दैट यू हैव डन ए मिस्टेक, इसके सी में मिस्टेक है, तो यहाँ आना चाहिए था इट आइदर यू हैव मेड ए मिस्टेक और कमिटेड मिस्टेक, यहाँ पर आइदर से स्टार्ट होता दैट की जगह, आइदर यू हैव मेड ए मिस्टेक या कमिटेड मिस्टेक, कमिटेड मिस्टेक्स होता, तो इसलिए सी का जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है. इसमें एरर सी पार्ट में है. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस सेंटेंसेस द क्वेश्चन इज, डायरेक्शन है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट. इसमें आपका क्वेश्चन है कि ए सेंटेंस या पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइंड एंड फोर अल्टरनेटिव्स आर गिवन टू द अंडरलाइंड पार्ट विच विल इम्प्रूव द सेंटेंस, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. तो 42 क्वेश्चन है हमारा. एंड ही बिगेन ऑन ए न्यू बिजनेस वेंचर, और अंडरलाइन बिगेन है, और इसके ऑप्शन से हमारे बिगन, ओपन, एम्बार्क्ड और नो इम्प्रूवमेंट. तो ये चार ऑप्शन है हमारे पास. इसमें अब हमें बताना है कि इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा आएगा. तो ये सेंटेंस हमारा,
ही बिगेन ऑन ए न्यू बिजनेस वेंचर। तो अब हमें देखना है बिगेन, बिगेन इसमें ए ऑप्शन में बिगन है, ओपेंड है, एम्बार्क्ड है और नो इम्प्रूवमेंट है। तो इसमें बिगन इज़ नॉट करेक्ट एंड ओपेंड इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। बिगेन एम्बार्क, एम्बार्क का जो मीनिंग होता है, एम्बार्क का मीनिंग भी ये होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना। टू बिगिन, तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, यहाँ पर है एम्बार्क्ड। एम्बार्क मीन्स टू बिगिन या टू स्टार्ट टू डू समथिंग न्यू और डिफिकल्ट, तो इसलिए सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है आई हैव टू से दैम द ट्रूथ, यहाँ पर अंडरलाइन टू है से वर्ड, और इसकी जगह हमें कौन सा अप्रोप्रिएट है, ए स्टेट, बी टेल, सी स्पीक या डी नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर जो वर्ड है से, से स्टेट इज नॉट करेक्ट, स्पीक इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट है आई हैव टू टेल देम द ट्रूथ, टेल इज द राइट यूसेज, सो हेयर वी विल चूज द बी ऑप्शन। नेक्स्ट है द IIT विल इंटरव्यू द कैंडिडेट बिटवीन 11 AM एंड 3 PM। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे 11 AM टू 3 PM, 11 फ्रॉम 3 PM, 11 AM बाय 3 PM, नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट क्या होगा, तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि IIT इंटरव्यू लेगी कैंडिडेट्स का बिटवीन 11 AM एंड 3 PM, 11 AM से 3 PM में लेगी। तो यहाँ पर हमारा जो तीनों ऑप्शन है आर नॉट करेक्ट, तो हम डी पर, डी ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे, नो इम्प्रूवमेंट, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा एज सून एज आई अराइव्ड इन होम आई न्यू दैट समथिंग वाज रॉन्ग। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एज सून एज आई अराइव्ड, अराइव्ड ये अंडरलाइन है पार्ट हमारा, आई न्यू दैट समथिंग वाज रॉन्ग, और इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं अराइव्ड बाय होम, अराइव्ड होम, अराइव्ड माय होम, नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आई अराइव्ड इन होम, तो यहाँ पर हम जो देखते हैं कि रूल के अकॉर्डिंग जो यूजिंग है अराइव इन एंड अराइव एट, अराइव इन या अराइव एट कब लगता है, अराइव जो है अराइव इन तो हम लगाते हैं जब हमें बताना हो कि टाउन्स के बारे में, सिटीज़ के बारे में एंड कंट्रीज़ के बारे में, और अराइव, अराइव एट तब लगाते हैं जब किसी बिल्डिंग पर बताना हो या पार्ट ऑफ बिल्डिंग्स के बारे में बात हो रही हो। तो यहाँ पर दोनों में से कुछ नहीं है, यहाँ पर है होम, तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो बी है, अराइव्ड होम, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन विल बी राइट यूसेज, अराइव्ड होम। नेक्स्ट है हिज पावरफुल डिज़ायर ब्रूट अबाउट हिज डाउनफॉल, और ऑप्शन हैं हिज विशफुल डिज़ायर, हिज ईगर डिज़ायर, हिज डिज़ायर फॉर पावर, नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर जो ये पावरफुल डिज़ायर है ब्रूट अबाउट हिज डाउनफॉल, तो यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पर आएगा हिज ईगर डिज़ायर विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि पावरफुल डिज़ायर brought about his downfall, इसमें से wishful desire भी इसके according नहीं है, तो यहाँ पर B वाला option ज़्यादा appropriate होगा। वैसे B और C दोनों ही option सही हो सकता है, desire for power क्योंकि इसमें downfall आ रहा है तो negative usage है, तो his desire for power भी सही हो सकता है और his eager desire भी सही है, B और C में से आप choose कर सकते हो। नेक्स्ट है रमेश लेड इन द शेड ऑफ ए ट्री बिफोर ही कुड वॉक फर्दर, तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन है लेन, ले, लाइट और नो इम्प्रूवमेंट है। तो यहाँ पर क्या है रमेश लेड, यहाँ पर हमारा आएगा लेट पास्ट टेंस में लाई का जो होता है वो ले होता है, और लेट इज ए पास्ट टेंस फॉर ले, जबकि वेर इन ले इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ले जो है किसी ऑब्जेक्ट के यूज होता है एंड लाई इज यूज फॉर पर्संस। तो यहां पर हमारा सही ऑप्शन आएगा ले यूज फॉर पर्सन, सो
ले विल बी द राइट आंसर, बी विल कम हेयर. नेक्स्ट है एन एजुकेशन इन हैंडलिंग मनी वुड इम्प्लाई द एबिलिटी टू ओवर सी द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ ओवर स्पेंडिंग और ओवर बोरोइंग. हमारे ऑप्शंस हैं फोर सी, ओवर वैल्यू, ओवर लुक और नो इम्प्रूवमेंट. तो यहाँ पर हमारा जो अंडरलाइन पार्ट है वो है ओवर सी. तो इसमें क्या आएगा, ओवर सी. ओवर सी एक वर्ब है और यहाँ पर ये ओवर सी का मतलब कोई प्रडिक्ट करना है. पहले ही कुछ बता रहे हैं कि एजुकेशन इन हैंडलिंग मनी वुड इम्प्लाई द एबिलिटी टू ओवर सी द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ ओवर स्पेंडिंग और ओवर बोरोइंग. तो यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट होगा क्योंकि इसमें एक प्रडिक्ट हो रही है. और टू थिंक इसका मतलब है फोर सी का, टू थिंक समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर हेयर. सो फोर सी इज़ द राइट यूसेज, ए विल बी द राइट ऑप्शन फोर सी. नेक्स्ट है ही स्टार्टेड एट द बॉटम रंग ऑफ द लैडर एंड देन गेन सक्सेस. यहाँ पर हमारा जो अंडरलाइन पार्ट है वो है रंग ऑफ द लैडर. तो रंग ऑफ द लैडर ये एक रंग ऑफ द लैडर जो है एक idiom है. इसका मतलब होता है कि एक ऐसी स्टेज ऐसे लेवल पर पहुँच जाना इन समथिंग सच एज प्रोसेस और ऑर्गेनाइजेशन थ्रू विच इट इज़ पॉसिबल टू राइज और मेक प्रोग्रेस. एक्चुअली ए रंग एक ऐसी प्लेस है, ए प्लेस टू पुट योर फूड, जहाँ पर तुम अपने फुट रख सको और हैंड एज यू क्लाइंब की उस पर रख करके सीढ़ी बना करके उसको चढ़ सको. फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि इफ़ यू गेट ए प्रमोशन एट वर्क यू माइट से यू आर क्लाइंबिंग अप द रंग्स ऑफ द कंपनी. तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, इसमें नो इम्प्रूवमेंट. ही स्टार्टेड एट द बॉटम रंग ऑफ द लैडर एंड देन गेन सक्सेस. लोअर रंग ऑफ द लैडर, लोअर रंग ऑफ द स्टेयर, बॉटम रंग ऑफ द स्टेयर, इसमें कोई भी अप्रोप्रिएट नहीं है. डी विल बी द राइट ऑप्शन. द जज गेव द वर्डिक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. ऑप्शन से हमारे डिक्लेयर्ड, प्रोनाउंस्ड, सेंटेंस्ड और नो इम्प्रूवमेंट. तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा वर्डिक्ट. वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का फैसला देना. और यहाँ पर हमारा है जो अंडरलाइन पार्ट है वो है गेव. तो यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट डिक्लेयर्ड मीन्स घोषणा करना होता है, सेंटेंस मौत की सज़ा सुनाना. तो यहाँ पर जो प्रोनाउंस्ड वर्ड है बी विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि बी एक वर्ब है और बी का मतलब होता है टू गिव ए जजमेंट इन कोर्ट फॉर और अगेंस्ट समबॉडी. कोर्ट में किसी के अगेंस्ट में वर्डिक्ट देना. तो यहाँ पर गिव की जगह सबसे अप्रोप्रिएट है वर्ड प्रोनाउंस्ड. प्रोनाउंस्ड विल बी द राइट यूसेज. नेक्स्ट है द फायर सर्विस पर्सनल पुट ऑफ द फायर विथ मच डिफिकल्टी. यहाँ पर आया है अंडरलाइन वर्ड पुट ऑफ. हमारे ऑप्शंस हैं पुट अवे, पुट ऑन, पुट आउट, नो इम्प्रूवमेंट. तो इसमें तो क्लियर है पुट अवे इज नॉट राइट. पुट ऑन भी किसी चीज़ को जलाना और पुट आउट मीन्स बुझाना. तो यहाँ पर सी विल बी द राइट ऑप्शन. 52 है ही हैज़ द इरीटेटिंग हैबिट ऑफ प्लेइंग हिज ओन ट्रम्पिट ऑल द टाइम. यहाँ पर हिज ऑन प्लेइंग हिज ओन ट्रम्पिट, प्लेइंग हिज ऑन ट्रम्पिट, इसका मतलब होता है कि अपनी ट्रम्पिट अपनी तुरही खुद ही बजाने, यानी कि अपनी बड़ाई अपने आप करना या अपनी प्रशंसा खुद ही करते रहना, उसको तब हम कहते हैं प्लेइंग हिज ओन ट्रम्पिट ऑल द टाइम. यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड आएगा ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पिट, पंपिंग हिज ओन ट्रम्पिट, पिंगिंग अप हिज ओन ट्रम्पिट, नो इम्प्रूवमेंट. तो इसमें ए विल बी द राइट ऑप्शन. तो इसका मतलब तो इट इज़ क्लियर कि प्लेइंग हिज ओन ट्रम्पिट, तो प्लेइंग की जगह यहाँ पर आएगा प्लेइंग हिज ओन ट्रम्पिट की जगह ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पिट, ए विल बी द राइट ऑप्शन. 53 है ही जम्प्ड ऑन द लेक. और ऑप्शन से हमारे इन द, इन टू द, ऑन द, नो इम्प्रूवमेंट. तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जम्प्ड ऑन द लेक, जब हम किसी चीज़ में लेक में कूदा, कि
कूदने में जब किसी चीज़ में गिरने से वेल में हो या किसी में भी क्रिया होती है, यानी कि उसमें वो कुछ मोमेंट होता है, तो वहाँ पर हमारी जो प्रीपोजिशन लगती है वो इनटू आता है जहाँ पर मोमेंट हो। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बी होगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन। 54 है, इफ़ ही वांट्स फादर हेल्प सेंड हिम टू मी। तो यहाँ पर वर्ड आया है फादर हेल्प, सेंड हिम टू मी। फादर किसे कहते हैं? फादर का मतलब होता है किसी चीज़ को, यानी कि दूर। यहाँ पर है 54 है, इफ़ ही वांट्स फादर हेल्प सेंड हिम टू मी फादर फर्दर मच बेस्ट नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर हमारा जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो है फर्दर। ही इफ़ ही वांट्स फर्दर हेल्प, यानी कि आगे उसे हेल्प चाहिए तो सेंड हिम टू मी, और फादर का मतलब होता है फार, दूर। तो यहाँ पर फर्दर विल बी द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। 55 है, देर वाज लिटिल ही कुड डू टू सेव हिज बेटर्ड रेपुटेशन। यहाँ पर जो अंडरलाइन है हमारा बेटर्ड रेपुटेशन, कि वह अपनी सेव हिज बेटर रेपुटेशन, अपनी ख़राब होती रेपुटेशन को बचाने के लिए कुछ कर सकता था। तो यहाँ पर वर्ड है हमारे पास सेल्वेज, रैक, डिस्ट्रॉय, नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर जो वर्ड है ए, सेल्वेज विल बी द राइट आंसर, क्योंकि सेल्वेज एक वर्ब है और उसका मतलब होता है टू स्टॉप ए बैड सिचुएशन फ्रॉम बीइंग ए कंप्लीट फेल्योर। तो यहाँ पर सेल्वेज विल बी द राइट ऑप्शन, सेल्वेज का मतलब भी वही है, बेटर रेपुटेशन का है। नेक्स्ट है, शी सैंक बैक विद ए मोर्न ऑफ पेन। ऑप्शन है हमारे मोर्न, मोर्न, मोर्न और नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर शी सैंक, यानी कि वो डूब गई, बैक विद ए मोर्न ऑफ पेन, दर्द से, और मोर्न विलाप करना। तो यहाँ पर सबसे सही वर्ड आएगा सी विल बी द राइट ऑप्शन, मौन। मौन एक नाउन है और मौन का मतलब होता है ए लॉन्ग डीप साउंड, एक लंबी बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाना, और यूजुअली एक्सप्रेसिंग अनहैप्पीनेस, सफरिंग एट्सेट्रा, जो इसको एक्सप्रेस करे। तो यहाँ पर जो सी है, सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, द इंटरव्यू केम अलाइव बाई सेटेलाइट फ्रॉम हॉलीवुड। ऑप्शन से हमारे केम एज लाइव, केम लाइव, केम अप लाइव, नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर 57 में जो वर्ड आया है केम अलाइव बाई सेटेलाइट फ्रॉम बॉलीवुड, तो यहाँ पर केम एज लाइव, केम अलाइव, केम लाइव, केम अप लाइव, नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर लाइव वर्ड विल केम लाइव विल बी द राइट ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि लाइव जो है वो एडवर्ब है और ब्रॉडकास्ट एट द टाइम ऑफ ऑन एक्चुअल इवेंट। तो यहाँ पर हेयर कम लाइव, लाइव विल बी यूज, नॉट अलाइव। माई मदर इंसिस्ट्स ऑन सेटिंग अप समथिंग एवरी डे फॉर चैरिटी। इंसिस्ट करती हैं सेटिंग अप, सेटिंग अप की जगह यहाँ पर क्या आएगा, ऑन, इन, असाइड या नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर हमारा वर्ड आ जाएगा सेटिंग अप, यहाँ पर आएगा असाइड, असाइड ऑन भी नहीं आ सकता, इंसिस्ट ऑन सेटिंग अप और असाइड नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पर माई मदर इंसिस्ट ऑन सेटिंग अप समथिंग एवरी डे फॉर चैरिटी ऑन, इन, असाइड। तो यहाँ पर सेटिंग अप अंडरलाइन है, तो इसकी जगह सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड होगा सेट असाइड, क्योंकि सेट असाइड एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है टू सेव और कीप मनी और टाइम फॉर पर्टिकुलर पर्पस, या टाइम को सेव करना फॉर पर्टिकुलर पर्पस। इसलिए यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है हमारा असाइड, असाइड विल बी द राइट आंसर। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्वेश्चंस। तो हमारा डायरेक्शन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। में एक्टिव वॉइस को बताना है, एक्टिव सेंटेंस दिया गया है कि उसका राइट ऑप्शन
कौन सा है, पैसिव वॉइस किसका सही बना हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55 क्वेश्चन, यू हैव टू फिनिश पेंटिंग दिस फेंस बाई फ्राइडे। तो हमें सबसे पहले जान लेना है कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमारा सेंटेंसेस में हैव लगा हुआ हैव टू है, तो हम यहाँ पर इसके साथ हैव टू के साथ बी भी हम इसमें ऐड करेंगे जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सभी पैसिव वॉइस जितने भी हम बनाएंगे सब में थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। दिस फैंस हैज़ टू बी फिनिश्ड पेंटिंग बाय यू बाय फ्राइडे, दिस फैंस इज़ टू बी, तो ये इज़ लग गया है, ये भी नहीं हो सकती है। पेंटिंग ऑफ दिस फैंस हैज़ टू बी पेंटेड बाय यू बाय फ्राइडे, ये भी नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सही जगह पर नहीं है। यहाँ पर बाय फ्राइडे यू विल हैव फिनिश्ड पेंटिंग द फैंस, दिस इज़ नॉट द राइट आंसर। इसमें राइट ऑप्शन है ए, यू हैव टू फिनिश पेंटिंग दिस फैंस बाय फ्राइडे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सही पैसिव वॉइस है वो है ए, दिस फैंस हैज़ टू बी फिनिश्ड पेंटिंग बाय यू बाय फ्राइडे, ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है द डीलर विल सर्विस द स्कूटर फॉर फ्री द फर्स्ट थ्री टाइम्स। यहाँ पर भी हमें सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर विल लगा हुआ है तो विल के साथ क्या यूज़ होगा। जब हम पैसिव बनाएंगे तो विल के साथ बी भी ऐड कर देंगे। और तो अब हम देखेंगे इसमें द स्कूटर विल बी सर्विस्ड फॉर फ्री बाय द डीलर फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट थ्री टाइम द स्कूटर वाज सर्विस्ड फॉर फ्री बाय द डीलर फॉर द फर्स्ट थ्री टाइम्स, फॉर द फर्स्ट थ्री टाइम द डीलर विल सर्विस द स्कूटर फॉर फ्री, सर्विसिंग ऑफ द स्कूटर फॉर फ्री विल बी डन बाय द डीलर फॉर द फर्स्ट टाइम्स। तो यहाँ पर अब हमें देखना है विल बी तो कई सेंटेंस में लगा हुआ है, लेकिन अब हमें देखना है कि सीक्वेंस किसका सही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें ए विल बी द राइट आंसर, द स्कूटर विल बी, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर स्कूटर विल बी सर्विस्ड फॉर फ्री बाय द डीलर, ये एग्जैक्ट प्लेस पर रखे हुए हैं, तो यहाँ पर ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है द जनरल प्रेजेंटेड अस ए डिटेल्ड बैटल प्लान। यहाँ पर भी हमें देखना है कि द जनरल प्रेजेंटेड अस कौन सा टेंस हो गया है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हम पैसिव बनाते हैं तो वाज वर्ब का यूज़ किया जाता है एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो अभी हम देखते हैं ऑप्शन हमारे ए डिटेल्ड बैटल प्लान विल बी प्रेजेंटेड, नो ए द जनरल प्रेजेंट्स अस, नो ए डिटेल्ड बैटल प्लान वाज प्रेजेंटेड टू अस बाय द जनरल। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा सी, सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि सी ही में ही पास्ट इंडेफिनिट में बना हुआ है और थर्ड फॉर्म भी है और हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी एग्जैक्ट प्लेस पर हैं। नेक्स्ट है द डॉक्टर हैज़ गिवन मी ए वेरी पेनफुल इंजेक्शन। यहाँ पर हमारा टेंस है ये हैज़ गिवन मी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब हम पैसिव में बनाते हैं तो हैज़ के साथ बीन भी लग जाता है, हैज़ बीन और हैव बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। तो हम देखते हैं ए है ए वेरी पेनफुल इंजेक्शन हैज़ बीन गिवन टू मी बाय द डॉक्टर गिव्स माई सेल्फ ए वेरी पेनफुल इंजेक्शन, ए वेरी पेनफुल इंजेक्शन इज़ बीइंग गिवन, नो गिविंग ऑफ ए पेनफुल इंजेक्शन टू मी हैज़ बीन डन बाय द डॉक्टर, नो। तो यहाँ पर हमारा 58 का होगा राइट ऑप्शन इज ए, ए विल बी द राइट आंसर। 59 है द स्पीडिंग कार नोक डाउन द पेडेस्ट्रियन। अब यहाँ पर है नोक डाउन, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है तो यहाँ पर भी हमारी पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब वाजेवर होगी। तो हमारा ऑप्शन है द कार विच वाज स्पीडिंग हैज़ नोक्ड डाउन द पेडेस्ट्रियन, द पेडेस्ट्रियन वाज नोक्ड डाउन बाय द स्पीडिंग कार, द पेडेस्ट्रियन वाज बीइंग नोक्ड डाउन बाय द कार विच वाज स्पीडिंग, नोकिंग डाउन ऑफ द पेडेस्ट्रियन हैज़ बीन डन बाय द स्पीडिंग कार। तो अकॉर्डिंग टू द रूल हमारा राइट ऑप्शन है बी, द पेडेस्ट्रियन वाज नोक्ड डाउन बाय द स्पीडिंग कार। नेक्स्ट है टू पास द कैंडिडेट हैज़ टू आंसर एट लीस्ट 3 क्वेश्चंस करेक्टली। अब हमें इसको बनाना है, इसमें हमारे ऑप्शंस हैं द, इसमें भी यही है हैज़ टू लगा हुआ है यानी कि देना पड़ा, तो यहाँ पर भी हमारे क्या हो जाएगी हमारी
हैज़ के साथ हैज़ या हैव का यूज़ होगा, बी और बी भी लग जाएगा इसमें। इफ द कैंडिडेट आंसर थ्री क्वेश्चन करेक्टली देन ही विल पास, एटलीस्ट थ्री क्वेश्चन विल बी आंसर्ड करेक्टली बाय द कैंडिडेट टू पास, एटलीस्ट थ्री क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड करेक्टली बाय द कैंडिडेट टू पास, आंसरिंग ऑफ थ्री क्वेश्चन करेक्टेड बाय द कैंडिडेट हैज़ टू बी डन टू पास। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, एटलीस्ट थ्री क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड करेक्टली बाय द कैंडिडेट टू पास। तो यही हमारा सी वाला ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन नेक्स्ट है, दिस इज द सेकेंड टाइम आई हैव कोट यू चीटिंग। तो यहाँ पर है दिस इज द सेकेंड टाइम आई हैव कोट यू टीचिंग, आई हैव कोट ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है और पहला हमारा सिंपल सेंटेंस है। अब हमें देखना है पैसिव वॉइस में क्या है, और यहाँ पर भी हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट है इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, पैसिव बनाने के लिए बीन और लग जाएगा, हैज़ बीन और हैव बीन। यू हैव बीन कोट चीटिंग बाय मी फॉर द सेकेंड टाइम, यू वर चीटिंग फॉर ए सेकेंड टाइम एंड आई हैव कोट यू, दिस इज़ द सेकेंड टाइम यू हैव cheated and were caught by myself cheating you, catching you cheating for the second time has been done by me। यहाँ पर भी हमारा A will be the right answer, you have been caught, तुम पकड़े जा चुके हो cheating by me, cheating करते हुए for the second time, तो A will be the right answer। Next है have you created the beautiful this beautiful artwork। अब हमारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पर भी हमारा हैव लगा हुआ है तो बीन इसके साथ होगा। हैड यू बीन क्रिएटिंग द ब्यूटीफुल आर्टवर्क, नो हैड तो आने ही नहीं है, हैड यू हम देखते हैं, हैज़ द ब्यूटीफुल आर्टवर्क बीन क्रिएटेड बाय यू, हैज़ क्रिएटिंग दिस ब्यूटीफुल आर्टवर्क बीन डन बाय यू। तो यहाँ पर हमारा सी विल बी द राइट आंसर, हैज़ दिस ब्यूटीफुल आर्टवर्क बीन created by you, C will be the right answer। I play football with my friends at that ground। I play football, ये हमारा कौन सा टेंस है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम पैसिव बनाते हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है is, are, am। अब हम देखते हैं I have played football with friends of mine at that ground, by that ground I have played football with my friends, फुटबॉल इज़ प्लेड बाई मी विद फ्रेंड्स एट द ग्राउंड, प्लेइंग ऑफ फुटबॉल हैज़ बीन डन बाई मी एंड माई फ्रेंड। तो अकॉर्डिंग टू द रूल सी विल बी द राइट आंसर, फुटबॉल इज प्लेड बाई मी विद माई फ्रेंड्स एट दैट ग्राउंड। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें हमारे ऑप्शंस इन द जो डायरेक्शन है वो है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज़ बिन गिवन इन डायरेक्ट स्पीच, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट है राकेश सेज कैन यू प्रिपेयर ए कप ऑफ टी फॉर मी सुनीता। अब हम देखते हैं इसमें, इसमें भी हमें रूल पता होना चाहिए, अगर आ जाता है राकेश सेज, ये हमारा अगर हमारा जैसे हमारी जो स्पीच होती है एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होती है रिपोर्टेड स्पीच, दो जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होती है हम उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाली स्पीच होती है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो या फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है तो जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो टेंस नहीं बदलता, केवल उसके प्रोनाउंस बदल जाते हैं, पर्संस बदल जाते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें राकेश सेज, राकेश टेल्स सुनीता टू प्रिपेयर ए कप ऑफ टी फॉर मी, राकेश टेल्स सुनीता दैट सुनीता इफ़ शी कुड प्रिपेयर कप ऑफ टी फॉर मी, राकेश आस्क्ड सुनीता इफ़ शी कैन प्रिपेयर ए कप ऑफ टी फॉर मी, राकेश आस्क्ड सुनीता इफ़ शी कैन प्रिपेयर ए कप ऑफ टी फॉर मी। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर है कैन, कैन का मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंटरोगेटिव टेंस है ये। तो यहाँ पर हमारा जो सही होगा वो ऑप्शन होगा, और हम इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए जो हमारे इंटरोगेटिव होते हैं अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच तो हम इफ़ या वेदर से उसके इन्वर्टेड कॉमास को
रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन कि राकेश आस्क्स सुनीता इफ शी कैन प्रिपेयर ए कप ऑफ टी फॉर हिम, क्योंकि हम इसमें पर्सन चेंज कर सकते हैं, टेंस को चेंज नहीं कर सकते। सो डी विल बी द राइट आंसर। द प्राइम मिनिस्टर सेड एट ए मीटिंग देर इज नो नीड ऑफ ए वर्किंग प्रेजिडेंट फॉर द पार्टी नाउ। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट डेफिनिट में है और जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो किस में है, प्रेजेंट में है।